नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने कुछ नया आइडिया और जबरदस्त आइडिया लेके आए जो मार्केट में जबरदस्त चलती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्नैक्स का। बहुत लोग भैया कमेंट करते रहते, भैया स्नैक्स का काम स्टार्ट करना और कैसे करना, पाउच मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, इस प्रकार का जो पाउच है आप जो देख रहे हैं, इस प्रकार का पाउच लेके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा बिजनेस होता है स्नैक्स का कि 10 लाख रुपया, 11 लाख रुपया, 15 लाख रुपया लगा के बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके महीना का 50,000 से 1 लाख रुपया कमा पाइएगा। मगर उसी चीज को छोटा करते हुए आप इस प्रकार का पाउच मार्केट से आपको ले लेना है। इस प्रकार का पाउच लेके इसमें क्या करना है, माल भरना है। अब इसमें कौन सा माल आता है, जैसे बाजार से कचड़ी या फिर चाउमीन, कटोरी, रिंग, इस टाइप का प्रोडक्ट लेना है और उसको क्या करना, ऑयल में फ्राई करना है और इसमें फिल करना है। तो इस प्रकार से पाउच आपको ले लेना है। अपना नाम से अगर बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम से बनवा सकते हैं, या फिर मार्केट से जो भी पाउच अगर लोकल मिलता है उसका लेके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए अगर नॉर्मल देखा जाए तो मोटा रकम लगता है, मगर इसको नॉर्मल अगर मान लीजिए जुगाड़ू टाइप का अगर बोला जाए तो अपना हिसाब से कर सकते हैं, मगर इसको स्टार्टअप करने के लिए अपना ब्रांड का 1 लाख से 2 लाख रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में अभी दिखाएंगे, सारा डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। अभी वीडियो में आप बने हुए रहिए, किस प्रकार से अभी सारा माल पैकिंग हुआ है और कैसे पैकेट बनाना है और कैसे सील करना है, ये सारा चीज आइडिया भी हम बताएंगे, वीडियो में बने हुए रहिए। और यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार का आपको पाउच बनाना है सिंगल सिंगल, ठीक है। सिंगल सिंगल पाउच बनाकर आपको 14 पीस का पैकेट बनाना है। जैसे यहाँ पर दिखाते हैं आप, आइए, यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से 14 पीस का पैकेट है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। तो इस प्रकार का आपको छोटा छोटा मतलब पैकेट में लाइन से सजाना है और ऊपर वाला में 2 पीस में बड़ा खिलौना, बाकी सब में छोटा छोटा स्मॉल खिलौना है। जैसे ऊपर दुकानदार को निकलेगा माल, ठीक है, हेवी, तो बच्चे लोग दुकानदार को जैसे ऊपर, पहले दुकानदार ऊपर बेचेगा, ऊपर जैसे ही बेचेगा तो टॉय बड़ा बड़ा निकलेगा, जब बड़ा बड़ा निकलेगा तो ऑटोमेटिक नीचे वाला सारा पार्ट दिख जाएगा। तो आपको इस प्रकार का छोटा छोटा पैकेट बनाना है। और देखिए, ये 5 पीस का पूरा बंडल बन रहा है, इस प्रकार का देखिएगा, पूरा का पूरा 5 पीस का बंडल बनाना है और किसी दुकानदार को देना है, तो इसी प्रकार से आपको इसमें देना है। और देखिए, इसमें अलग अलग सब कलर फ्लेवर है, तो इस प्रकार से आपको बनाना, बना के माल स्टोर करना है और जैसे ये गाड़ी, 2 गाड़ी जितना भी ऑर्डर आता है उस प्रकार से ऑर्डर लेके दे सकते हैं। अभी देखिए, ये सब अभी जितना है अभी सब वर्क में चल रहा और ये सब बंधा रहा, ये सब जितना माल है अभी देखिएगा, ये सब माल अभी बाहर जाने वाला है और ये माल अभी बाहर जाएगा और इसको अभी गाड़ी पे कैसे लदाएगा ये सारा का सारा आप देख पाइएगा। तो इस प्रकार से टोटल अभी 1 गाड़ी का माल हो चुका है और 1 गाड़ी लगभग जैसे पूरा होता है तो हम लोग माल इसको डिस्पैच कर देते हैं। तो लगभग मान लीजिए 1 दिन बीच करके गाड़ी हम लोग का लगभग महीना में 15 गाड़ी जा पाती है प्रोडक्शन के अनुसार। और ये सब हम लोग हमेशा ऑर्डर में ही रहता है, क्योंकि देखिए ये जो पाउच वाला है, वो पाउच वाला में क्या होगा कि प्रोडक्शन स्लो होता है। कारण क्या है कि इसमें प्रोडक्शन कम होने के कारण स्टाफ इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि ऑटोमेटिक वाला मशीन तो है नहीं कि आप 1 दिन में चाह के मतलब 1 गाड़ी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक वाला में 1 दिन में 1 गाड़ी तैयार होती है और इसमें 2 दिन मिला के 1 गाड़ी तैयार होता है। इसमें अगर स्टाफ हम डबल कर देंगे तो 1 दिन में गाड़ी तैयार हो जाएगी, ठीक है। 1 दिन में इसको तैयार करने के लिए कम से कम हम लोग का 12 स्टाफ की जरूरत पड़ता है, और ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो 12 स्टाफ में 1 गाड़ी माल तैयार होता है 1 दिन में। और ऐसे हमारे पास अभी इसमें इस लाइन में अभी 6 स्टाफ है, ठीक है। इसी कारण थोड़ा सा प्रोडक्शन कम करके रखें कि डिमांड ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्शन कम कीजिएगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। और मान लीजिए आप प्रोडक्शन की जगह लाइन देखूँगा, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर दिए ना तो क्या होगा कि आपको गोदाम में माल ज़्यादा स्टॉक में हो जाएगा, वैसे आप टेंशन में आ जाइएगा। तो जब भी आप चलिए तो थोड़ा सा प्रोसेस लेंगे। और देखिए, ये सारा का सारा जो है ये कच्चा माल है और बहुत लोग का जैसे रिक्वायरमेंट रहता है भैया माल कच्चा है, देखिए इसको खोल के दिखाते हैं कि कच्चा माल किस प्रकार से रहता है। ये पूरा बोरिया जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा बोरा में सब कच्चा माल है। इसको हम तब तो खोल लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये कच्चा माल है। आपको इसी प्रकार के ये कच्चा माल जो रहेगा आपको ऑयल में फ्राई कर देना है,
इसके साथ ऑयल ड्रायर लगेगा, ठीक है। और मान लीजिए आप रोस्टर में करना चाहते हैं तो रोस्ट भी करके दे सकते हैं, मतलब कि आपका जिस प्रकार से सुविधा होगा उस प्रकार से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इस जगह पर दूसरा चीज आइटम लेकर भी कर सकते हैं। और इसमें देखिए हमारे पास बहुत सारा आइटम है, जैसे अभी यहाँ पर देखिएगा ये ढक्कन, ठीक है, ये सब अभी गर्मी का जो आइटम चल रहा है ना, तो गर्मी में ये सब ढक्कन का भी इस्तेमाल है। और देखिए हमारे पास ये सब बोतल है, इस प्रकार का बोतल चाहिए तो इस प्रकार का बोतल भी मिल जाएगा जो हमारे पास अभी है। और कुछ नया नया डिजाइन का भी बोतल है जिससे अभी दिखाते हैं, और नया डिजाइन में बोतल अभी क्या है, तो नया डिजाइन में देखिए इस प्रकार का बोतल मिलेगा, ठीक है। ये मैंगो जूस 170 ml का आता है और ये मार्केट में 10 रुपये बिक्री का। तो इस प्रकार का ढक्कन लेना है और इस प्रकार का बोतल ले लेना है। बोतल को आप इसी प्रकार से ढक्कन लगा के सारा काम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका। इसमें लगाइएगा खुद ऑटोमेटिक लग जाएगा, आप इसमें फिलिंग स्टिकर दे के इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आप इस प्रकार का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट देखिए सालों भर बहुत लोग रहते हैं भैया साल भर कौन सा बिजनेस चलेगा। तो साल भर बिजनेस चलाने के लिए कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट उस प्रकार के करना पड़ेगा, उस प्रकार का बिजनेस भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी गर्मी का मौसम में ठंडा ठंडा आइटम ज़्यादा चल रहा, ठीक है, और अभी गर्मी का मौसम है और स्नैक्स वाला में थोड़ा सा अभी इसमें नमी आता है, थोड़ा सा मार्केट डाउन रहता है, ठीक है, मगर फिर भी ये सालों भर चलता है। और डॉन के मतलब क्या बोला जाए, बच्चा लोग का अगर 10 रुपया दे दिया जाए, 5 रुपया दे दिया जाए, तो बच्चा लोग सबसे पहले जाकर मार्केट से कोको कोला या ठंडा खरीदेगा, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन में खाने वाला बच्चा लोग का, तो अभी तो गर्मी का मौसम है तो ये भी चल रहा दोनों, और प्लस में ये भी चल रहा ये साथ में। और देखिए ये हम दिखाते हैं थोड़ा सा अभी अंदर में, देखिए इस प्रकार के ये मसाला है, ठीक है। इसमें मसाला ये है हम लोग का मैगी मसाला है, ठीक है। तो ये मैगी मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा है। और हमारा ये रोस्टर मशीन है, ठीक है, और रोस्टर है, ये रोस्ट करने वाला होता है। और ये हम लोग का हांडा है, इसमें इस प्रकार से लगाने वाला है, इसको यहाँ से फंसा के लगा दीजिए, ये इसमें मसाला फेंकने के लिए होता है। इस प्रकार से इसको घुमाना रहता है, इसको घुमाने के लिए मशीन की जरूरत पड़ता है। आप 3 पीस का इसमें मोटर लगा हुआ, मोटर चलाना तो मोटर से, और इसको ऑटोमेटिक कर देना तो ऑटोमेटिक कर सकते, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें है। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसको स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये लगा के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको खाली पाउच चाहिए तो आप खाली पाउच ले सकते हैं हमारे यहाँ से, ठीक है, पाउच मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको चाउमीन चाहिए, ठीक है, तो चाउमीन ले सकते हैं, मसाला चाहिए मसाला ले सकते हैं, रेपर प्लास्टिक जो भी आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा हमारे यहाँ। कोई पाबंदी नहीं का मशीन लीजिएगा तभी आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है, आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना आप ले सकते हैं और सारा ले सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग अभी गाड़ी पर माल लादने वाले हैं और पूरा वीडियो में बने हुए रहिएगा, देखिएगा किस प्रकार से कितना एक गाड़ी में माल लाद जाएगा वो सारा हमें भी हम बताने वाले हैं आपको। टोटल एक लाइन में हम लोग का 5 आएगा और टोटल 5-5 करके ये 20 तक जाएगा, एक लाइन में 20 रखेगा, उसके बाद देखेंगे कितना का मतलब लाट लगेगा अभी, और टोटल अभी कितना लादेंगे आप लोग अभी पता चलेगा गाड़ी में। जैसे बहुत लोग तो बताते हैं भैया एक गाड़ी माल लेंगे तो कितना पड़ेगा कितना आएगा, तो देखिए एक गाड़ी में कितना लगाएगा। अगर एक गाड़ी आप मंगाना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना एक गाड़ी में आता है माल। देखिए अभी यहाँ पर इतना लदा गया है और अभी 1, 2, 3, 4 4 5 20 5 25 25 और 2 1 और जाएगा,
मतलब एक लाइन में 30-30 ठो अटेगा, ठीक है। फिर लाइनिंग ये अभी तीसरा कर रहा है, तीस की 90, मतलब अभी तक 90 बंडल माल लदाया है। दोस्तों लास्ट कर लो, सब पूरा का पूरा गाड़ी पर माल लदा गया है, ठीक है। और पूरा का पूरा आप देखिए पूरा सील कर दिया है, अब रास्ता में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। लगभग अभी 200 किलोमीटर जाएगा, अब 200 किलोमीटर जाने के बाद इसको रास्ता में कुछ दिक्कत नहीं आएगा, माल ढीला भी नहीं होगा। पूरा का पूरा टाइट कर दिए चारों तरफ से, और चारों तरफ से पूरा देखिए पूरा का पूरा टाइट हो गया है, और ये सब देखिए पूरा का पूरा टाइट कर दिए सारा चीज़, ठीक है। हिलेगा नहीं बाहर गाड़ी माल, और ये गाड़ी खुलेगी सुबह 4 बजे और पहुँचेगी 9 बजे 10 बजे, लगभग 200 किलोमीटर तो 6 घंटा तो लग ही जाती है, और 6 घंटा आने में 12 घंटा का सफ़र है, ठीक है। सोचिए कि 12 घंटा गाड़ी चलाना पड़ता है और नॉन स्टॉप गाड़ी जाएगी, ठीक है। सुबह जब खुलेगी 4 बजे तो नॉन स्टॉप समझिए कि 9, 9:30 बजते मतलब पहुंच जाएगी, और वहाँ फिर 1-2 घंटा का मतलब माल उतरेगा, रेस्टिंग होगा थोड़ा सा। जब वहाँ से गाड़ी खुलेगी तो शाम को फिर यहाँ पर आएगी, लगभग जैसे 4 बजे खुलेगी तो फिर समझिए कि 6 बजे आएगा आते आते, ठीक है। तो सोचिए कि सब चीज़ हो गया है तो हम ज़्यादा कुछ ना बोलेंगे। आप इससे बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला होगा आपको कि इसी प्रकार से बिजनेस है, और कष्ट लगा हुआ रहता है समय के साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग जैसे देखते होंगे वीडियो में कि हाँ भैया जी बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे वो कर रहे तो काम नहीं करते होंगे, ऐसा गलत फहमी में मत रहिएगा। क्योंकि अगर ज़िंदगी में जीना है, ठीक है, तो कष्ट के साथ जिएगा तो आपको दोनों चीज़ का अनुभव होगा, प्रॉफिट का भी अनुभव होगा, लॉस का भी होगा। हम लोग पास भी कभी कभी माल जाता है तो लॉस भी होता है, ठीक है, तो लॉस कभी कोई बताता है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही बताया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दुख रहता है तो सबको खुशियाँ में सबको बुलाया जाता है, मगर जब दुख आता है तो कोई बोलता नहीं कि भैया दुख है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देखिए कि कैमरा के आगे सिर्फ सच्चाई दिखता है, कैमरा के पीछे जो है वो नहीं दिखाते हैं अधिकांश करके कि ताकि का है नहीं है, ठीक है। तो इसका पीछे आपको समझ में आओ कितना हम लोग स्ट्रगल कर करके अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत सारा बड़ा आदमी बन चुके हैं, हम लोग अभी छोटे छोटे हैं, मगर छोटे छोटे में थोड़ा सा प्रयास कर आगे बढ़ने का। तो अभी प्रयास कीजिए कि ताकि अभी एक चेंज हो सके, और सब स्टाफ के भरोसे मत रहिए, ठीक है। कुछ अपनों भी लगिए मेहनत देखिए, और देखिए स्टाफ का दर्द क्या होता है। जब तक आपको एहसास नहीं होगा ना तो मालिक परफेक्ट मालिक भी नहीं बन पाइएगा, तो स्टाफ का भी दर्द को समझना पड़ेगा कि उन लोग कितना खर्च करता है, तो उतना जाके 200-300 रुपया कमा पाता है, 350 रुपया, ठीक है, तब जाके महीना 10,000 से कमा पाता है। तो 10,000 कमाने के लिए मालिक का भी तो एहसास होना चाहिए कि हाँ कितना कष्ट कर रहा है, ठीक है। तो मालिक का जब तक एहसास नहीं होगा तो फिर स्टाफ के बारे में कैसे सोचेगा, तो ये सब जरूरी है सोचना। तो आप देखते रहिए मेरा वीडियो कंटिन्यू, अभी चाहते रहेगा और पर डे वीडियो भी आएगा, और ज़्यादा हम कुछ ना बोलेंगे, सोचिए समझिए विचार कीजिए और बिजनेस करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। Mmm.